अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ईट एंड रिपीट बाय याशो एंड राजी। आज हम बनाएंगे ताड़ की केक, जो टोडी फ्रूट्स आता है ना उसका केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कप चावल का आटा ले लिया है और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ले लिया है और हाफ टी स्पून नमक ले लिया है और इस ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम हाथ के मदद से अच्छे से मिला लेंगे। ये जो रेसिपी है, हमारे नानी दादी ये लोग बहुत बनाते थे और मुझे तो बहुत ही पसंद है। फिर मैंने यहाँ पर एक कप ताड़ का जो प्यूरे आता है, मतलब ताड़ का जो हमने प्यूरे निकाला था फल से, उसको डालेंगे एक कप और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो फ्रेग्रेंस होता है, फ्लेवर होता है, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। आप घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको पसंद आएगा। दिस इज़ वेरी टेस्टी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर हम मिठास के लिए यहाँ पर 2/3 कप ऑफ चीनी ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जब चीनी मेल्ट हो जाए तब इसमें हम ऐड कर देंगे रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप ऑफ रिफाइंड ऑयल और 1/2 कप ऑफ मिल्क। फिर हम सारे चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एक विस्कर के मदद से मिला लेंगे, बहुत ही अच्छे से, ताकि मतलब को इतू सा भी लम्स ना आए। धीरे धीरे से हमको इसको मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर टाइम लैप्स कर दिया था, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता वीडियो में दिखाती। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट चंक्स। ये कोकोनट है जिसको मैंने बहुत अच्छे से छोटा छोटा करके पीस कर लिया है। इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे बैटर के साथ। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा काजू भी डाल सकते हो। दिस ऑल टेस्ट अमेजिंग, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है ऐसा। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। फिर हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर, मेरे पास बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैंने एक पैकेट इनो डाल दिया है। देखिए बैटर कितना फूल गया है। फिर मैंने एक केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। मैंने यहाँ पर, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने नॉर्मल पेपर में ही घी लगा दिया है। घी नहीं, रिफाइंड ऑयल या फिर बटर कुछ भी लगा सकते हो, उसका कोट करके मैंने इसमें जो बैटर है हमारा वो पोर कर दिया है। थोड़ा पैट कर दिया है, टैप कर लिया है, ताकि जो बबल्स है अंदर का वो ठीक से मतलब सेट हो जाए। और ऊपर से भी थोड़ा सा कोकोनट चंक्स दे के चलिए इसको बेक करते हैं। अभी ओवन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर एक बड़े से पतीले में नमक डाल के उसको प्री हीट कर लिया था। फिर मैंने इसके अंदर हमारा जो केक टिन है उसको डाल दिया है। मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था उसको ढक के, अब बिना ढके करूँगी तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और 20 मिनट्स में ही पूरा बन जाएगा। मेरा इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा था। फिर चलिए हमारा केक रेडी है, डीमोल्ड कर लेते हैं। देखिए कितना सुंदर है। देखिए कितने अच्छे से डीमोल्ड हो गया है। केक को ठंडा होने के बाद ही हमें डीमोल्ड करना है, तो बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाता है। और अभी ताड़ का सीज़न है, घर में ताड़ लाइए और बनाइए और खाइए। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। पकवान और जो होता है ना फ्रेटर्स, वो भी है।
ये तो मतलब बहुत ही फ्लफी स्पॉन्जी बना था। आप घर पे ज़रूर ट्राई करना और हमें बताना कि आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट रेसिपी।